हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ स्वीट डिश, क्योंकि अब होली का त्यौहार आ रहा है, इसलिए कुछ स्वीट डिश वगैरह बनाना चाहिए। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ एकदम सिंपल तरीके से बालूशाही। तो चलिए बनाते हैं बालूशाही। तो उसके लिए मैंने लिया है ये 2 कटोरी मैदा, और ये आधा कटोरी से ज़्यादा है ये घी है, और मैं बेकिंग पाउडर लूँगी। बेकिंग सोडा नहीं लेना है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं। तो बेकिंग पाउडर जो केक में डलता है वो बेकिंग पाउडर लूँगी मैं, और लूँगी मैं नमक, 1 पिंच बस, थोड़ा सा नमक डालूँगी। और तो चलिए बनाते हैं बालूशाही। तो ये देखिए, मैं ये बड़ा बॉल ले ली हूँ आटा गूंदने के लिए, और इसमें मैं डाल दूँगी मैदा जिसे मैं छान ली हूँ इसको। अब मैं देखिए नमक डाल रही हूँ इसमें, एक छोटा चम्मच हमें बेकिंग पाउडर डाल देना है इसमें, ये देखिए। इसे मिक्स कर लेंगे हम। अब इसमें हम घी ऐड कर देंगे, हम एक ही बार घी नहीं ऐड करेंगे, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए घी को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इसमें पानी डाल के इसका आटा गूंद लूंगी, थोड़ा थोड़ा पानी एक ही बार नहीं डालेंगे हम। बहुत हल्के हाथ से इसे गूंदना है हमें, ये देखिए। हम जैसे रोटी का डो बनाते हैं, आटा गूंदते हैं, उस तरह से इसको नहीं गूंदना है। बहुत सॉफ्ट करके या बहुत मसल करके वैसे नहीं गूंथना है इसके आटे को, बस हल्के हाथ से बस मिला लेना है इसको। ये देखिए इस तरह से कर लेना है। अभी देखिए हमारा ये इस तरह से बन गया है आटा। अब इसको मैं थोड़ा देर रख दूंगी, तब तक चलिए हम चाशनी बनाते हैं। ये देखिए, अब मैं इसमें डालूंगी चीनी, तो मैंने 2-2.5 कटोरी चीनी डाला है। ये देखिए 2.5 कटोरी चीनी मैंने डाला है। और 2 कटोरी में पानी डाल रही हूँ। गैस ऑन कर लूँगी मैं, देखिए गैस ऑन कर ली हूँ मैं।
चाशनी को एकदम पतला और ना ही हमें बहुत गाढ़ा चाशनी बनाना है, मीडियम चाशनी रहना चाहिए। ये देखिए दो इलायची मैंने कूट के इसमें डाल दी हूँ। एक पिंच फूड कलर डाल दी हूँ मैं। टेम पे अगर केसर आपके पास है तो केसर भी डाल सकते हैं, मेरे पास है तो ये मैं डाल दे रही हूँ इसमें केसर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऐसा कोई इसमें ज़रूरी नहीं है डालने का। चाशनी को हम मीडियम आंच पे इसको थोड़ा देर पकने देंगे। तो हमारा चाशनी बनकर के रेडी है। ये देखिए ये ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा, ये देखिए। छूने से आप ऐसे पता लगा सकते हैं। तो हम गैस ऑफ कर दे रहे हैं और इसको अलग रख देते हैं हटाकर। अब हम कढ़ाई को यहाँ पे ले आते हैं और हम बालूशाही को बना के तलेंगे। मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। यहीं पे इसमें मैं 2 चम्मच घी ऐड करूंगी ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा आए घी से। तो हम इसको गर्म होने रखते हैं, तब तक हम बालूशाही को बनाते हैं। ये देखिए हमारा ये हमें अच्छे से गूंथना नहीं है, बस सिर्फ इस तरह से कर लेना है इसको। अब मैं इसे लूंगी हाथ में हल्के हाथों से इसको गोल करना है। ये देखिए हल्के हाथों से देखिए, और मैं इसको ऐसे छेद कर दूंगी बीच में। तो इसी तरह से हम सबको बना लेंगे। ये देखिए तो इसी तरह से हम सबको बना करके रख लेते हैं, फिर इसे तलेंगे। ये देखिए फ्रेंड मैंने बना करके रख लिया है, अब इसे चलिए तलते हैं। तेल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए और ना एकदम ठंडा होना चाहिए, मतलब ठंडे से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए।
एकदम मीडियम पे रखना है आँच को, ऐसे बस स्लोली स्लोली पकने देना है, तभी ये खस्ता हो जाएगा, नहीं तो ये जल जाएगा। ये देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें, बस हल्का हल्का घुमाना है। और मैं अब आँच को मीडियम कर दी हूँ ताकि ये नीचे से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो। अब इसे हम फोक की सहायता से पलट देंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा बालूशाही गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब ये बिल्कुल रेडी है चाशनी में डालने के लिए, तो मैं इसे एक एक करके निकाल लूँगी। देखिए कितना खास्ता बना है ये। और इसके लेयर देख रहे हैं आप, जो लेयर आया है ये कितना मस्त है, ये कुरकुरे से क्रंची जो बालूशाही में होता है। ये देखिए अब मैं जो बच गए थे उन्हें मैं डाल लूँगी। ये देखिए अब मैं इसे चाशनी में डाल देती हूँ। तो चाशनी एकदम ठंडा भी नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत गर्म होना चाहिए, तो मीडियम में होना चाहिए, हल्का गर्म। तो ये देखिए इसे मैं चाशनी में डाल देती हूँ। अब इसे मैं एक साइड में 5 मिनट के लिए डिप करके रखूंगी, उसके बाद इसे पलट दूंगी ताकि दूसरे तरफ भी चाशनी अच्छे से इसमें अंदर तक इसमें चला जाए चाशनी। तो ये देखिए फ्रेंड, 5 मिनट हो गया है, अब मैं इसे पलट देती हूँ ताकि दूसरे तरफ भी चाशनी अच्छे से चला जाए। थोड़ा बर्तन मेरा छोटा पड़ गया है, थोड़ा बड़ा बर्तन आप लीजिए। अब इसे भी हम 5 मिनट के लिए डूबा रहने देंगे, 5 मिनट या 2 मिनट बस इतने की ज़रूरत होती है, तो उसके बाद फिर सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है इसे। ये देखिए
कैसा लग रहा है आपको बालूशाही? तो बहुत ही सिंपल और इजी है इसे बनाना, तो इस फेस्टिवल में आप इसे ज़रूर बनाइए होली में, और इसको अपने परिवार के लोगों के साथ इसका लुत्फ़ उठाइए। देखिए मैं इसे पिस्ता से गार्निश कर दे रही हूँ, तो ये देखिए। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए, और लाइक ज़रूर करिए और शेयर भी करिए, कमेंट्स करके बताइए कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है। तो और इस डिश को ज़रूर इस होली में ट्राई करिए, बालूशाही को। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड, बाय बाय।